नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के साथ। और आपको बता दें कि जिस तरह से दो दिन शेष रहते हैं स्वतंत्रता दिवस को, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से इनपुट्स मिले थे कि कुछ जैशे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और वो बड़ी कोई हमला करने की फिराक में। और इस समय मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पर हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। स्पेशल चेकिंग ड्राइव जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कोई भी जो आने वाला जाने वाला व्यक्ति है बाहर से ही, अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जैसे ही वो एंट्री यहाँ पर करते हैं और उनकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर होती है, और तमाम लोग जो हैं उन पर नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी सहायता जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाँ रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो कुछ जवान जो हैं वो यूनिफॉर्म में है और कुछ जवान जो सादा वर्दी है उसमें है, और हर एक व्यक्ति जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ आता है उस पर नज़र जो है वो रखी जा रही है, और कोई भी रिस्क जो है वो यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कुछ देर पहले की बात करें और खलल जो है वो शांति में डालने की कोशिश जिस तरह से जो आतंकी संगठन है वो लगातार करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर तैनात हैं। और पिछले लंबे समय से देखा जाए तो बहुत संख्या में जो मिलिटेंट कमांडर्स हैं उनको भी यहाँ पर मार गिराया गया, और साथ ही साथ 2019 की बात करें तो सबसे ज़्यादा आतंकी जो हैं वो इसी वर्ष जो हैं अब तक मारे गए थे। और ये तस्वीरें जो हैं आपको मैं फिर से बताता चलूं कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस जो है वो दो दिन शेष उसको हैं, और अभी ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं मेरे ठीक पीछे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं हर आने जाने जो वाले व्यक्ति हैं उन पर नज़र जो है वो रखी जा रही है। और दूसरी तस्वीर भी आपको मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये तस्वीर भी आपको दिखाएं कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके जवान लगातार जो हैं वो यहाँ पर तैयार हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर बाहर की तस्वीरें भी जिस तरह से आपको हम दिखाएंगे इस अंत में, वो विजुअल्स भी दिखाएंगे कि जैसे ही रेलवे स्टेशन में एंट्री होती है और वहाँ पर एक्सरे मशीन में सामान जो है उसको चेक किया जाता है, और साथ ही साथ आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र जो है वो रखी जा रही है। और बाहर की बात करें जिस तरह से जम्मू की, तो जम्मू के चप्पे चप्पे पर जो हैं वो सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों चाहे वो अर्धसैनिक बलों के जवान हों, और वो ताकतें जो कि हमेशा खलल जो है वो शांति में डालने की कोशिश करती हैं, और उन जो ताकतें हैं उनकी कोशिशों कभी भी कामयाब जो है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो नहीं होने देंगे। और लोगों से भी हम अपील ये करेंगे जो हमें देख रहे हैं लोग, उनसे ये अपील करेंगे जो यात्री यहाँ पर हैं उनसे भी अपील हमारी यही रहेगी कि ये जो चेकिंग है ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। आप इस चेकिंग में पूरा सहयोग जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो चाहे वो अर्धसैनिक बलों के जवान हो उनका आप सहयोग करें, और कहीं भी अगर आपको संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है तो आप उस वस्तु को हाथ न लगाएं, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर नज़दीकी जो अर्धसैनिक बलों के जवान हों और उनको आप सूचित करें कि कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर है, कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है, उसकी गतिविधियाँ जो हैं वो वहाँ पर संदिग्ध हैं, तो आप पूरी जो जानकारी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको दे सकते हैं ताकि कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना घटे, उस अनहोनी को होने से पहले ही रोक दिया जाए। अब मुझे रवि शर्मा को मेरे सहयोगी रमन कुमार के साथ दें इजाजत, मगर आप देखते हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन। नमस्कार। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से कड़ी सुरक्षा जो है वो कर दी गई है, कुछ देर पहले हमने आपको जो विजुअल्स थे वो यहाँ से दिखाए थे, और अब मैं आपको लेकर आया हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है।
जी हाँ, देखा आपने कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन का जो प्रवेश द्वार है और वहाँ पर जो हर एक आने जाने वाला व्यक्ति है उस पर नज़र वहाँ पर रखी जा रही है, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके सामान की चेकिंग जो है वो की जाती है। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।